गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर आर के मुदगिल, प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, जैसा कि आज हमने निश्चित किया था कि आज हम बहुत ही जरूरी एक टॉपिक हमारा कि एसोसिएशन और काउंसिल दो अलग चीजें हैं, उनको समझने के लिए आज हम यहाँ एक साथ आए हैं। क्या फिजियोथेरेपी एसोसिएशन है और क्या फिजियोथेरेपी काउंसिल है? बेसिकली दे बोथ आर सेपरेट थिंग्स। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर हमारे दिमाग में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कई बार जानकारी का अभाव, कई बार ओवर इन्फ्लुएंस, और कई बार शायद हमारे को जो चीज़ें गलत बता दी जाती हैं उनका प्रभाव, बहुत सारी चीज़ें हावी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो इन तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हम इस अपने ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाएं। और मैं समझता हूँ लॉकडाउन, जहाँ अपने साथ कुछ बुरी चीज़ें लेकर आया, हमें घरों में कैद कर दिया, वहाँ काफ़ी अच्छी चीज़ें लेकर भी आया। और अच्छी चीज़ें ये कि शायद लॉकडाउन हमारे लिए इतना समय लेकर आया जिस समय में हम बैठकर एक दूसरे के साथ ये तमाम जानकारियां साझा कर सकते हैं, बातें एक दूसरे के साथ रख सकते हैं। तो लॉकडाउन के कुछ ना कुछ हमें ये फायदे भी देखने को मिले। और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी मेरे साथी इस वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं, वो इसको और आगे भी शेयर करें, इस लाइव वीडियो को, ताकि ज़्यादा मेरे साथी इससे जुड़ पाएं। क्योंकि आज का जो टॉपिक है, फिजियोथेरेपी एसोसिएशंस एंड फिजियोथेरेपी काउंसिल, ये बड़ा ही एक रिलेवेंट टॉपिक है जो तमाम फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जानना जरूरी है। और इसको लेके तमाम लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, बहुत सारी अलग-अलग इसके बारे में लोगों के दिमाग में सोच भी है। तो ऐसे तमाम लोगों को जागरूक करने के लिए जरूरी है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जुड़ पाएं। और न सिर्फ जुड़ पाएं, कमेंट्स के माध्यम से वो अपने सवाल भी रख पाएं, अपने बातें भी रख पाएं, और जितना भी हमारे पास उसके बारे में जानकारी होगी उसके लिए हम कोशिश भी करेंगे, उनका जवाब भी दिया जाएगा। तो आप तमाम साथियों से, जितने भी लोग यहाँ जुड़ चुके हैं, विक्रम भदौरिया जी आ चुके हैं, पुष्पेंद्र राणा जी, नरेंद्र कुमार जी, और भी मेरे साथी रंजीत ढिल्लो जी, राहुल रोहिला जी, तो जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, अमित वत्स जी, बहुत दिनों बाद नजर आए, बड़ी अच्छी बात है सर आप आए समय निकाल कर। तो जितने भी साथी यहाँ जुड़ रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लाइव वीडियो को आप प्लीज़ शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके। क्योंकि आज का टॉपिक बिल्कुल एक रिलेवेंट टॉपिक है, और इसके बारे में मैं समझता हूँ तमाम लोगों को इसकी समझ होनी चाहिए। अनूप सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। अच्छा है, लोग ज़्यादा जानेंगे इसके बारे में तो उनके दिमाग से कुछ एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये नॉलेज प्रॉपर है ही नहीं कि एक काउंसिल और एक एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है, वो कैसे काम करती हैं, क्या उनके पावर्स हैं, क्या फंक्शनिंग है, क्या स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें जरूरी है कि हम सब एक दूसरे को बताएं। और खासकर ऐसे में, अब जैसे मैं अपनी ही एसोसिएशन, हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, उसका प्रेजिडेंट हूँ, तो वो भी एक एसोसिएशन ही है, तो उसको ये सामने आकर बताना चाहिए कि एक एसोसिएशन कैसे काम करती है, कैसे एफिलिएशन होती है, कैसे लोग उससे जुड़ते हैं, और कैसे उसका रोल है सोसाइटी में, कैसे वो आगे अपनी बातों को रखती है, कैसे अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाती है। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी देने की जिम्मेवारी भी हम एसोसिएशन से जुड़े हुए लोगों की ही है। एसोसिएशन जो मेंबरशिप के पैसे लेती हैं, उस पैसे का किसका अधिकार होता है? ये संदीप वैष्णव जी मेरे साथी यहाँ पूछ रहे हैं। तो दोस्त, जो पैसा एसोसिएशन मेंबरशिप के तौर पे लेती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, अगर कोई एसोसिएशन है तो वो फिजियोथेरेपिस्टों का पैसा है, अगर किसी और प्रोफेशन की एसोसिएशन है तो उन लोगों का पैसा है। तरुण बराक जी यहाँ पूछ रहे हैं, 30% फिजियो फ्रेशर डिडंट नो हाउ टू सेट देयर क्लिनिक एंड हाउ टू मेक देयर मार्केट। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसे में उनको शायद कहीं गलत जानकारी दे दी गई है कि अगर आप फला फला एसोसिएशन से अपने आप को एफिलिएट नहीं करेंगे, उनको ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आप अपना क्लिनिक नहीं खोल पाएंगे। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिथ है। आपको मैं बताऊं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है, जब हम किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री करके निकलते हैं, किसी भी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से जब हम डिग्री लेके निकलते हैं, तो वो डिग्री हमें अपने आप में कंपेटिबल बनाती है अपने काम को करने के लिए।
उसके अलावा आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं चाहिए होती। हाँ, कुछ जगह, कुछ स्टेट्स में और कई बार सेंटर में भी, बाकी और प्रोफेशंस के केस में अगर बात करें तो फिजियो जैसे काउंसिल्स वहाँ वर्क करती हैं, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है एडवोकेट्स के लिए। तो जब आप डिग्री लेके निकलते हैं तो ये प्राथमिक आपकी जिम्मेवारी है कि आप बार काउंसिल में जाके अपने आप को एफिलिएट कराएं, बार काउंसिल से अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वहां एक सेंट्रल काउंसिल है वकीलों के लिए। ऐसे ही और बात प्रोफेशंस की मैं बात करूं, जैसे नर्सिंग प्रोफेशन है, वहां नर्सिंग काउंसिल है, और मेडिकल प्रोफेशनल के केस में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI है, जिसको बाद में किसी और नाम से भी गवर्नमेंट रन कर रही है, डिजोल्व शायद किया था पीछे। तो ऐसे तमाम संगठन, तमाम चीजें, तमाम सिस्टम चलते रहते हैं एक प्रैक्टिस को सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोगों को ये गलत जानकारी दी जा रही है, खासकर मैं समझता हूँ फिजियोथेरेपिस्टों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनको सही ज्ञान नहीं दिया जा रहा है कि क्या काउंसिल है और क्या एक एसोसिएशन है। गीतांजलि व्यास जी शायद यहाँ पूछ रही है कि मैं लाइव नहीं आया। देखिए मैम, मैं लाइव आ चुका हूँ, शायद आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। आप मेरे प्रोफाइल पे आए और आप देख सकते हैं मैं लाइव हूँ इस वक्त, आप अपनी बात रखें। तो अमूमन जो फिजियोथेरेपी, क्योंकि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ तो मैं तो इसी फील्ड की बात करूंगा, और मुझे लगता है कि जहाँ जानकारी का अभाव है वहाँ इस चीज़ की जानकारी को बढ़ाना चाहिए, और वो हम तमाम लोगों की जानकारी बढ़ाने का, हम तमाम का जिम्मेवारी भी बनती है। हम प्रोफेशनल्स हैं, हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है कि हम अगली पीढ़ियों को ये बताएं कि हम किस कैपेसिटी में क्या कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप काफी साथियों तक मेरी बात पहुंच रही होगी, जो नए साथी जुड़े हैं वो भी इसको शेयर कर दें ताकि और सारे। हाँ, नेशनल मेडिकल कमीशन सर, इनफैक्ट बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि नाम बाद में चेंज कर दिया गया था। तो अब आप इस चीज को ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको एक साथ देख पाए, सुन पाए, समझ पाए। और अब ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। हाँ, गीतांजलि व्यास जी ने एक डायरेक्ट सवाल पूछा है कि क्या IAP मेंबरशिप लेनी चाहिए। मैम, मैं पर्टिकुलर इस नाम के साथ तो अभी यहाँ जवाब देना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन हाँ, मैं आप मेरी पूरी वीडियो सुने, आपको आपका जवाब मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि अगर हम किसी एक एसोसिएशन के साथ ऐसा बोल लें कि आपको उसका मेंबरशिप नहीं लेना है या उसका मेंबरशिप लेना है, तो कहीं ना कहीं एक किस्म की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर ये चीजें काउंट होती हैं। मैं यहाँ आज किसी एक पर्टिकुलर एसोसिएशन को अच्छा, बुरा, भला ये सब बताने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं एक आपको बेसिक डिफरेंस बताऊंगा कि एक एसोसिएशन क्या है, काउंसिल क्या है, और उसके बाद अगर आपके मन में जो भी नाम है किसी भी एसोसिएशन का, अगर आप उसको उस पैरामीटर पे, उस कसौटी पे कसें, IAP में स्टूडेंट विंग उसका रोल क्या समझ नहीं आता। हाँ बिल्कुल सर, IAP डजंट ग्रो आवर प्रोफेशन। मेरे ख्याल काफी मेरे साथी पर्टिकुलर IAP जो संगठन के बारे में सवाल कर रहे हैं, तो शायद उनकी कुछ नाराजगी रही होगी इसलिए वो ऐसा पूछ रहे हैं। लेकिन मैं आपकी वीडियो में फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज बेसिक एसोसिएशन और काउंसिल, इन दो का फर्क समझाऊंगा। उसके बाद जो मैं पैमाना आपको दे रहा हूं उस पर आप पर्टिकुलर एसोसिएशन, चाहे वो HCAP है, चाहे वो IAP है, चाहे वो RPPA है, या कोई भी और एसोसिएशन है, आप उसको उस पैमाने पे रख के, उस कसौटी पे रख के उसको चेक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वो उस कसौटी पर खरी उतर रही है तो आप उस संगठन से जाके जुड़ जाइए। अगर आपको लगता है कि वो उस कसौटी पर नहीं जुड़ी और वो फेल हो गई तो आप उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं सर, उस्मानी साहब कह रहे हैं वो लेट आए। खैर, अभी मैं सिर्फ इसकी भूमिका जो है वो उसी पे बात की है सर। अभी तक मैंने बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में कोई रखा ही नहीं है। अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं इस चीज का कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, बाकी प्रोफेशंस में क्या होता है। मेन टॉपिक पे अगर हम बात करेंगे तो वो अभी से हम जस्ट शुरू कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम बात करते हैं एसोसिएशन क्या होती है। किसी भी प्रोफेशन के लिए, न सिर्फ फिजियोथेरेपी के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए एक एसोसिएशन क्या है। एक एसोसिएशन एक ऐसी बॉडी है जो सोसाइटी एंड रजिस्ट्रार एक्ट के तहत रजिस्टर्ड बॉडी है। एसोसिएशन बनाने के लिए आपको जो एज पर लॉ अगर हम बात करें तो मिनिमम 7 से 8 आदमी, सिर्फ मिनिमम 7 से 8 आदमी सफिशियंट है। वो 8 आदमी अपना एक पूरा मेमोरेंडम बनाएंगे, पूरी उसकी गतिविधियां बताएंगे कि उनकी एसोसिएशन क्या करेगी, कैसे करेगी, सोसाइटी को कैसे सर्व करने वाली है, क्या रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया होगा, मेंबरशिप कैसे दी जाएगी, कैसे नहीं दी जाएगी। तो ये तमाम चीजें जो है वो एक पूरा प्रॉपर प्रॉपर पेपर वर्क करके उसको सोसाइटी एंड रजिस्ट्रार एक्ट के तहत अपने आप को एनरोल कराएगी,
और जब वो एनरोल कराएगी तो उसको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। और जैसे कल आप लोगों ने देखा भी होगा है, हमारे एक साथी हैं विपिन करके, विपिन सर IHFA चलाते हैं, तो उन्होंने कल एक मुहिम भी चलाई थी फेसबुक पे कि जितनी भी रजिस्टर्ड एसोसिएशन हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फेसबुक के माध्यम से पब्लिक के बीच साझा करें। तो काफी लोगों ने उसमें किए हैं और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किए हैं। तो वो क्या होता है कि जब आप लोग वो एक पेपर तैयार करके, अपना मेमोरेंडम तैयार करके, आप सोसाइटी एंड रजिस्ट्रार एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये बताता है कि नाउ यू आर ए एसोसिएशन। अब सेकेंड फेज शुरू होती है। ये तो हो गया एसोसिएशन बनने तक का काम, एसोसिएशन बन चुकी है। अब उसको बनाने के लिए क्या चाहिए था? सिर्फ कुछ लोग जिनकी एक जैसी सोच हो, एक विजन, जिस विजन के साथ वो काम करना चाह रहे हैं, वो पेपर वर्क जिसके साथ उनको अपने आप को उन्होंने रजिस्टर कराना है, तो ये तमाम चीजें उसको चाहिए थी एक एसोसिएशन बनाने के लिए। अब चाहे वो कोई भी एसोसिएशन हो, XYZ, चाहे जिन लोगों के बारे में आप अभी मुझसे सवाल पूछ रहे थे वो एसोसिएशन हो, कोई भी छोटी एसोसिएशन, कोई भी बड़ी एसोसिएशन, एसोसिएशन छोटी या बड़ी, वो सिर्फ उसके मेंबर्स की संख्या के आधारित है। अगर मेंबर्स ज्यादा हैं तो उसकी संख्या बड़ी हो जाएगी, वो एसोसिएशन बड़ी कहलाएगी। अगर मेंबर्स कम है तो एसोसिएशन छोटी कहलाएगी। रजिस्ट्रेशन वाइज कोई भी एसोसिएशन छोटी या बड़ी नहीं होती है। गलती से अगर हमने पैसे देकर एसोसिएशन की मेंबरशिप ले ली बट वो हमारी कसौटी पर खरी नहीं उतर रही, तो उस पैसे को कैसे ले सकते हैं हम वापस जो आप दें? संदीप वैष्णव जी, आपके सवाल बिल्कुल सीधे हैं और शायद मुझे लगता है कि आप काफी गहराई में जाकर पूछ रहे हैं। खैर कोई नहीं, विषय जब रखने के लिए मैं आया हूं तो यहां जिम्मेवारी भी मेरी बनती है कि मैं जवाब दूं। और आपके इस सवाल का सीधा सा जवाब है कि एसोसिएशन के हर एक मेंबर को इक्वली इंपोर्टेंस मिलती है, उसमें ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट जो है किसी भी एसोसिएशन का, एसोसिएशन के मेंबरों द्वारा चुना जाता है, वो एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसके तहत ऐसा होता है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपकी एसोसिएशन आपके अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, वो आपके खिलाफ कार्य कर रही है, आपके प्रोफेशन के लिए सही कार्य नहीं कर रही है, तो आप उसको सबसे पहले तो एसोसिएशन को पत्राचार के माध्यम से ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। अगर पत्राचार करने के बाद भी एसोसिएशन आपके सवालों का समाधान नहीं करती है, तो आप नेक्स्ट स्टेप जो है सोसाइटी एंड रजिस्ट्रार एक्ट, जहां वो रजिस्टर्ड है, उनके पास जाके उसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर आप वो भी ना करना चाहें तो आप डायरेक्ट किसी भी कोर्ट की मदद ले सकते हैं, बशर्ते आप उस सोसाइटी, उस एसोसिएशन के मेंबर हों। अगर आप उसके मेंबर नहीं हैं तो आप उसकी प्रक्रिया को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, आप उसकी कार्यप्रणाली को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। कब कब तक नहीं कर सकते हैं? जब तक वो कोई अनडेमोक्रेटिक कार्य ना करे। वो अपने प्रोफेशन के लिए कुछ भी कर रही है, हो सकता है वो सही या गलत, लेकिन उसके मेंबर्स ये डिसाइड करेंगे कि वो सही है या गलत है। अगर उनको लगता है कि वो गलत है तो वो उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अब मेरे ख्याल आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो जहां तक मैंने बताया कि पहले एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया किसी भी एसोसिएशन के लिए है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से जब वो एसोसिएशन गुजर जाएगी, उसके पास अपना खुद का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा, उस डेट के बाद से वो एसोसिएशन बाकी और लोगों को अपने साथ एफिलिएट करना, अपने साथ रजिस्टर करना शुरू कर सकती है, बाकी लोगों को मेंबरशिप देना वो शुरू कर सकती है, जो भी उसने अपने बायलॉज में लिखा है। क्योंकि जब उन्होंने एसोसिएशन बनाई और गवर्नमेंट को जो मेमोरेंडम दिया था, सोसाइटी रजिस्ट्रार एक्ट को दिया था, तो उस सोसाइटी और रजिस्ट्रार ऑफिस में जो उन्होंने मेमोरेंडम में बायलॉज बना के दिए थे, उसके अकॉर्डिंग उसको फंक्शनिंग करना होता है, ना उसके कम कर सकती है ना उससे ज्यादा कर सकती है। तो ये बात हो गई बनने की, उसके बाद लोगों को जोड़ने की। अब लोगों को जोड़ने की जब बारी आई तो मेंबरशिप लेने का हक जो बायलॉज में लिखा होगा उन तमाम लोगों को है, तमाम उस प्रोफेशन के लोग उनसे जुड़ सकते हैं। एक तयशुदा फीस होती है, और वो फीस बेसिकली क्यों ली जाती है? वो इसलिए ली जाती है क्योंकि एसोसिएशन या संगठन अपने गतिविधियों को सुचारू रूप से चला सके। क्योंकि उसके पास अगर अगर नहीं ले तो क्या क्लिनिक बंद करना करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कपिल डबासी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। कोई भी एसोसिएशन आपका क्लिनिक या आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी बंद नहीं करवा सकती, ऐसा किसी भी एसोसिएशन के पास पावर नहीं है। हाँ, अगर आपके पास एक वैलिड डिग्री नहीं है तो कोई भी एसोसिएशन अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए आपके खिलाफ कार्रवाई करवा सकती है, वो भी उस सूरत में जब आपकी डिग्री वैलिड ना हो। अगर आपके पास एक वैलिड डिग्री है तो आपके क्लिनिक को कोई भी बंद नहीं करवा सकता। जिन स्टेट में काउंसिल है, काउंसिल काम कर रही है, वहां आपको काउंसिल से एफिलिएट होना कंपलसरी है।
बिना काउंसिल से एफिलिएट हुए आप उन स्टेट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ये क्लियर बात आप समझिए। लेकिन एसोसिएशन का ऐसा कोई रोल नहीं है। तो कहाँ था मैं, जहाँ अपना वापस बैक टू द पॉइंट में आऊंगा, एसोसिएशन उसके बाद लोगों को अपने साथ जोड़ती है, एक मिनिमम मैक्सिमम जो उसको फीस सही लगती है वो फीस रखती है, उस फीस से एसोसिएशन अपने खर्चे निकालती है जिससे लोगों के साथ और जुड़ा जा सके। सरकार के साथ जो मीटिंग होती है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई बात रखनी होती है, कोई मूवमेंट रन करनी होती है, कोई और प्रोफेशंस के रिगार्ड में कोई अच्छा काम करना है, तो कोई भी ऐसी दिक्कतें अगर रहती हैं तो उन चीजों के लिए जो फंडिंग आती है, रेज करती है, तो वो सारी चीजें एसोसिएशन इस तमाम फीस के साथ करती है। अब बात आती है कि अब उसके बाद अगला प्रोसेस है कि सुबह मेरे से एक सवाल पूछा था कमेंट में कि एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट एसोसिएशन इशू करती हैं, और जब कोई बंदा बाहर अब्रॉड जाने की कोशिश करता है तो उसको उसकी जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए वो सर्टिफिकेट लेता है, तो वो सर्टिफिकेट जो लेता है, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, उसके लिए कुछ एसोसिएशन चार्ज करती हैं, ना सिर्फ चार्ज करती हैं, अच्छा खासा चार्ज करती हैं। तो ऐसे में बात आती है कि क्या वो सही है। तो देखिए दोस्त, ये एसोसिएशन की अपनी इंटरनल प्रोसेस हो सकती है कि वो उसके लिए चार्ज करे, ये उसकी अपनी दिली इच्छा हो सकती है, उन्होंने अपने बायलाज में हो सकता है इस चीज का जिक्र किया हो कि हम उसकी कोई फीस रखेंगे, बट ये कोई जरूरी नहीं है। अगर वो चाहे तो उस फीस को छोड़ भी सकती है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमें वो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के लिए फीस लेना ही लेना है, वो आपकी चॉइस पे है, एसोसिएशन की चॉइस पे है, एसोसिएशन के बायलाज पे है। अब बात आती है कि गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है क्या। ये बेसिकली कुछ इस तरह का है कि एक संगठन आपकी जिम्मेवारी लेता है कि हाँ मैं इन्हें जानता हूं, संगठन एक ऐसी जिम्मेवारी उठा लेता है आपकी कि जी मैं जानता हूं, और वो उसके लिए आपको वेरीफाई करता है किसी भी दूसरी कंट्री में जब आप अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वहां जुड़ने के लिए आप किसी भी रजिस्टर्ड एसोसिएशन के मेंबर हो सकते हो, जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एसोसिएशन के आप मेंबर बने, किसी भी रजिस्टर्ड एसोसिएशन से जुड़ के आप अब्रॉड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की जरूरत हो तो आप जिस भी एसोसिएशन के सदस्य हैं आप उससे वो डिमांड करें। अब वो उस एसोसिएशन पर डिपेंड करता है कि वो अपने बायलाज में क्या लिखे हुए हैं, वो आपसे फीस लेके वो आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट देगी या बिना फीस लिए आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट देगी। अब जैसे मैं पर्टिकुलर अपनी एसोसिएशन की बात करता हूँ, HCAP की, हमारे भी काफी लोगों ने हमसे गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट लिया हुआ है, लेकिन हमने उसकी कोई फीस नहीं रखी हुई है। क्यों नहीं रखी हुई है? क्योंकि गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट देना हमारी जिम्मेवारी है, हमारा कर्तव्य है। जब हमारा कोई मेंबर कहीं बाहर जा रहा है और वो हमसे ये वेरीफाई करवाना चाह रहा है कि यस आई एम मेंबर ऑफ सो एंड सो एसोसिएशन, तो इसमें मुझे उनसे पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है। एसोसिएशन उसमें पैसे का क्या करेगी? हमें सिर्फ मेल पे उसका रिवर्ट वेरिफिकेशन भेजना होता है कि यस ये बंदा जो बात कर रहा है बिल्कुल सही बात कह रहा है। ऑल पॉसिबिलिटीज आर द काउंसिल डज वर्क अगेंस्ट और अपोजिट फॉर समवन और एसोसिएशन एट दिस स्टेज इन एसोसिएशन हेल्पफुल लाइक अपोजिशन पार्टी। हाँ बिल्कुल विक्की बोंगा जी, आप सही कह रहे हैं, और एसोसिएशन का रोल बेसिकली यही है। अभी मैं आगे बढ़ता बढ़ता वहां तक भी पहुंच रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ इसकी फंक्शनिंग पे बात कर रहा हूँ, बाद में इसकी पावर पे बात करेंगे। तो फंक्शनिंग आप समझ गए होंगे, लोगों को रजिस्ट्रेशन देना, सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना, एक एसोसिएशन बिल्ड करना, उसके बाद अपने और प्रोफेशनल भाइयों को उसके साथ जोड़ना, उनको रजिस्ट्रेशन देना, उसके बाद अगर उनको कोई भी हेल्प चाहिए बाहर जाने के लिए, अब्रॉड जाने के लिए, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, वो प्रोवाइड करना। तो यहां मैं समझता हूं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। जो एसोसिएशन उसके लिए पैसा ले रही है वो शायद कहीं ना कहीं अपने ही मेंबर्स के साथ पक्षपात कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके खुद के ऑलरेडी रजिस्टर्ड मेंबर हैं, उनसे अब दोबारा पैसे लेने का कोई सवाल नहीं बनता, ना जरूरत है, ना लिया जाना चाहिए। तीसरी बात, सैयद मोहम्मद वारिस सर हमारे साथ जुड़े हैं, सर बड़ा अच्छा लगा आप आए, थैंक यू सर, और कोई बात नहीं, सॉरी वाली कोई बात ही नहीं है सर, आप लोगों से सीखा है, बस हम तो उस नॉलेज को आगे शेयर कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, अब एक एसोसिएशन करती क्या है, पहले मेंबरशिप दे दिया, अब वो क्या करेगी कि जो उसके तमाम मेंबर हैं या पर्टिकुलर जिस प्रोफेशन के लिए वो एसोसिएशन बनी है, उस प्रोफेशन के लोग जो उससे जुड़े हैं, वो ऐसे तमाम लोगों के हकों की रक्षा के लिए, उनकी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए बीच का एक जरिया बनेगी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगी जो तमाम अलग अलग लोगों से उनकी समस्याएं लेगा और उस समस्याओं को उठा के गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा। ये काम है एसोसिएशन का। और जिन स्टेट में काउंसिल बन चुकी है वहां एसोसिएशन का क्या रोल है? वहां एसोसिएशन का ये रोल है कि काउंसिल अगर कुछ भी गलत कर रही हो,
काउंसिल अगर कुछ भी ऐसा कर रही हो जिससे प्रोफेशन को फायदा नहीं हो रहा हो, तो एसोसिएशन वहां एक ओपोजिशन पार्टी की तरह काम करेगी और काउंसिल को भी टाइमली पत्राचार के थ्रू फोर्स करेगी, बताएगी कि आप हमारे लिए ये काम सही नहीं कर रहे हो, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये तमाम काम है जो एक एसोसिएशन बेसिकली करती है। अब बात आता है कि एसोसिएशन का ऑलमोस्ट मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई सवाल आपके मन में तो आप पूछिए, काउंसिल क्या करती है और काउंसिल क्या है। देखिए दो सेपरेट थिंग्स हैं ये, आप इनको मर्ज ना करें। कुछ लोगों को पर्टिकुलर एक आध एसोसिएशन ऐसा लगता है कि वो काउंसिल की रिप्लेसमेंट है, ऐसा नहीं है। काउंसिल इज ए क्वेसी जुडिशरी बॉडी और एसोसिएशन क्या है, सिर्फ कुछ लोगों का बनाया हुआ एक संगठन जिन्होंने सोसाइटी और रजिस्ट्रार एक्ट के तहत खुद को रजिस्टर कराया है, और वो कोई भी करा सकता है। इस देश में सबको इक्वली राइट्स है। अब बात आती है काउंसिल, काउंसिल कोई भी नहीं बना सकता है। काउंसिल कौन बनाएगा? काउंसिल बनाएगी सरकार, गवर्नमेंट। काउंसिल ऐसे लोग इकट्ठे होकर नहीं बनाएंगे। एसोसिएशन पहले सरकार को रिप्रेजेंटेशन देगी, व्हाट इज द नीड टू ऑर्गेनाइज दिस लाइव सेशन। सर पटेल सर आप शायद लेट आए हैं सर, ये सेशन बेसिकली एसोसिएशन और काउंसिल के बेसिक डिफरेंस को समझाने के लिए यहां ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि एसोसिएशन क्या है और काउंसिल क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को इसमें बड़ा मिक्सअप रहता है। तो एसोसिएशन मैं बता चुका हूं, अब मैं काउंसिल की बात कर रहा हूं। काउंसिल जो है वो क्वेसी जुडिशरी बॉडी है जिसके पास कुछ एक कानून की शक्तियां भी हैं जिसके तहत वो कार्य करती है। जैसे कि अब काउंसिल बनी है, जिस स्टेट में काउंसिल बनी है वहां कंपलसरी है कि आपको काउंसिल के अंदर खुद को रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। बिना काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के आप अगर प्रैक्टिस करते पकड़े गए तो काउंसिल आपको सजा दे सकती है, भले ही आपने यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री की हो, भले ही आपकी डिग्री वैलिड हो, लेकिन अगर आप उस स्टेट की काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको सजा हो सकती है बिना रजिस्ट्रेशन के, अगर आप काम करते हैं तो वो आपको पहले रजिस्ट्रेशन देगी और फिर आपको अथॉरिटी देगी कि आप अपना क्लिनिक शुरू करें। लेकिन जिस जिन स्टेट में काउंसिल नहीं है वहां ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वहां आप डायरेक्ट अपनी डिग्री के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे आप किसी एसोसिएशन से जुड़े हुए हों या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात आती है काउंसिल के संगठन में कौन कौन रहेंगे। वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट बिल्स हैं, बिल एक्ट्स हैं, उसके तहत लोगों की डिफरेंट डिफरेंट उसमें मेंबरशिप क्राइटेरिया रखे गए हैं, प्रेसिडेंट कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा। काउंसिल में सारी चीजें गवर्नमेंट के अंडर चलती हैं, तो वो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट नोमनक्लेचर, डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग स्टेट वाइज सब कुछ अलग अलग है। अब काउंसिल और क्या कर सकती है? सबसे पहले तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया। यहां एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं था, उससे आप जुड़ना चाहते हैं वो आपकी दिली इच्छा, आप जुड़ सकते हैं, लेकिन काउंसिल से जुड़ने की इच्छा आपकी है या नहीं आपको जुड़ना पड़ेगा। वेन वी डोंट एनी गवर्नमेंट बॉडी टू रिप्रेजेंटेटिव फिजियोथेरेपी फील्ड। सर ये मेरे को पूरा क्लियर आ नहीं रहा, एक सेकंड में आपका सवाल पूछ लेता हूं। दैट टाइम वी नीड गुड एसोसिएशन। बिल्कुल सर, जब हमारे पास कोई भी स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में अगर आपके पास काउंसिल नहीं है तो वहां आपको एक मजबूत एसोसिएशन की जरूरत है जो आपकी बात को सरकार तक रखे, लेकिन वो आपकी दिली इच्छा है, आप उससे जुड़े या आप उससे ना जुड़े, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई एसोसिएशन आपको बाध्य नहीं कर सकती है अपने आप से जुड़ने के लिए, उसको कोई लीगली राइट नहीं है। ना वो आपकी प्रैक्टिस रोक सकती है, ना आपका क्लिनिक रोक सकती है, ना आपको जुड़ने के लिए फोर्स कर सकती है, चाहे वो कोई भी एसोसिएशन हो। ये बात तमाम एसोसिएशन पर लागू होती है, लेकिन हाँ काउंसिल आपको रोक सकती है, क्योंकि काउंसिल इज अ क्वेसी जुडिशरी बॉडी, वो एक लीगल कंपोनेंट रखती है अपने साथ, तो उसको हक है रोकने का अगर आप उससे रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो। अब बात आती है कि उसके बाद आगे क्या करेगी काउंसिल, क्या करेगी काउंसिल? आपकी समस्याएं सुनेगी। काउंसिल को आपको कोई भी प्रोफेशनल इशू आ रहे हैं, आपको फेक प्रैक्टिशनर से कोई इशू है, क्वैक से कोई इशू है, आपको एकेडमिक सिस्टम में कोई बदलाव चाहिए, आपको कोर्स क्यूरिकुलम में कोई बदलाव चाहिए, आपको ऐसी कोई भी चीजें जो चाहिए आप काउंसिल से डिमांड कर सकते हैं थ्रू अ प्रॉपर चैनल। जब आप काउंसिल से डिमांड करेंगे तो काउंसिल आपकी उन डिमांड को पूरा करेगी, और ऐसे में जो लोग फेक प्रैक्टिस कर रहे हैं काउंसिल उनको अरेस्ट भी कर सकती है, उनको सजा भी दिलवा सकती है। वहीं दूसरी तरफ एसोसिएशन फेक प्रैक्टिशनर की सिर्फ रिपोर्ट करवा सकती है संबंधित पुलिस थाने में, संबंधित सीएमओ को, लेकिन डायरेक्ट वो किसी भी फेक प्रैक्टिशनर को कोई भी एसोसिएशन नहीं रोक सकती, इवन फेक को भी नहीं रोक सकती, क्योंकि एसोसिएशन, अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। देखिए मैं समझता हूं मोटा मोटी, मैंने आपको एसोसिएशन और काउंसिल दोनों का डिफरेंस समझा दिया है, अब इसको मोटा मोटी समझिए। एसोसिएशन क्या है? लाइक अ बिग फैमिली, एक बड़ा परिवार। एक शख्स है,
वो अकेला फील कर रहा था प्रोफेशन में, उसने अपने जैसे और चार लोगों को अपने साथ रखा, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, वो लोग जुड़ते गए और उन्होंने एक बड़ा परिवार बना लिया जिसको नाम दिया गया एसोसिएशन का। अब ये बड़ा परिवार सामाजिक तरीके से किसी का भी विरोध कर सकता है, लेकिन इसके पास कानूनी तरीके ज्यादा नहीं है। कानूनी तरीका बस इतना है कि वो जाए और उस संबंधित आदमी की शिकायत करे। एक बड़ा परिवार होने के नाते वो जाए, उसके रिप्रेजेंटेटिव जाए, उसके नुमाइंदे जाए और शिकायत करें प्रॉपर चैनल से ताकि उस आदमी पे कार्रवाई हो। ये है एक एसोसिएशन। अब काउंसिल क्या है? काउंसिल है जो सरकार द्वारा बनाई गई बॉडी है, यहाँ फिजियोथेरेपिस्टों द्वारा, या पर्टिकुलर एक प्रोफेशनल बॉडी है जो लोगों ने मिलकर बनाई थी। वो क्या है? काउंसिल क्या है? सरकार द्वारा बनाई गई बॉडी है। वो लोगों की शिकायतें लेती है, उनको सुझाव देती है, उनके लिए अमेंडमेंट करती है, रूल बनाती है। तमाम जो रूल काउंसिल बनाती है उसको स्टेट में फॉलो करना पड़ता है। तो ये तो थी डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन एंड काउंसिल। अब बात आती है कि अब हमारे पास अगर नेशनल लेवल पे फिजियोथेरेपी की काउंसिल नहीं है तो उसका क्या? तो उसका सीधा सा जवाब ये है कि अगर आपको लगता है नेशनल लेवल पे कोई भी एसोसिएशन आपके हितों की बात उठा रही है, भले ही उसके नाम में नेशनल वर्ड है या नहीं है, क्योंकि एसोसिएशन का नाम जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो तो आपको अपनी चॉइस से रखना होता है, आप अपना नाम अपनी मर्जी से रखते हो। सपोज मैं अपनी बात करूं, हमने अपना नाम हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट HCAP रखना था, तो हमने गवर्नमेंट को प्रपोज किया कि हम इस नाम से एसोसिएशन चलाना चाह रहे हैं। अगर हम ही कोई ऐसा नाम रख देते, जैसे एक मेरे साथी शायद राजस्थान साइड है, वो चलाते हैं कि भारतीय भौतिक चिकित्सक संघ, तो वो नाम में भारतीय आ गया, चला राजस्थान से रहे हैं, लेकिन भारतीय भौतिक चिकित्सक संघ तो ज्यूरिडिक्शन उसका भी पूरा इंडिया है और HCAP का ज्यूरिडिक्शन भी पूरा इंडिया है। ऐसे ही हर एक एसोसिएशन ने अपने बायलाज में जो ज्यूरिडिक्शन डिसाइड किया हुआ है वो फॉलो किया जाता है। तो ऐसे में उस बड़े परिवार से आपकी जुड़ने की इच्छा है तो आप जुड़ सकते हैं, लेकिन वो आपको फोर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और ऐसे में जो ये ज्यादा मेंबरशिप फीस का एक इशू हमारे बीच अक्सर आता है कि मेंबरशिप फीस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो वो संगठन भी कहीं ना कहीं अपने सदस्यों के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि मेंबरशिप फीस का मकसद सिर्फ इतना है कि वो संगठन थोड़ा सुचारू रूप से चल पाए, अपनी गतिविधि आराम से कर पाए, अपने कार्य कर पाए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो मेंबरशिप फीस को इतना ज्यादा कर दे कि लोगों को उससे जुड़ने के लिए अच्छी खासी फीस भरनी पड़े। तो मैं समझता हूं कि ये एक मोटा मोटी डिफरेंस एक काउंसिल के बीच और एक एसोसिएशन के बीच मेरे सब तमाम साथी जो मुझे सुन रहे हैं समझ गए होंगे, और शायद उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से अगर 10 लोगों तक भी ये जागरूकता फैलती है कि एक एसोसिएशन क्या है और एक काउंसिल क्या है, और वो इस चीज को दिमाग में रखते हुए, इस कसौटी पे अपने आप को कसते हुए अगर अपने पैसों का बचा पाए कभी भी, तो मुझे समझता हूं कि बड़ी खुशी होगी उन लोगों के लिए, मेरे तमाम साथियों के लिए, और ऐसी तमाम जानकारी देने के लिए मैं हमेशा यहाँ मौजूद रहता हूं। आप कभी भी मुझसे किसी भी किस्म की एसोसिएशन और काउंसिल रिलेटेड जानकारी कोई लेना चाहे ले सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक अच्छी बात और बताना चाहूंगा कि एसोसिएशन करती क्या है। इसका एग्जाम्पल मैं HCAP के साथ, नाम के साथ देना चाहूंगा, और किसी का नाम मैं इसलिए यूज नहीं करूंगा कि किसी ने कुछ अच्छा किया होगा, किसी ने कुछ बुरा किया होगा, वो अपने गिरेबान में खुद झांके और पब्लिक उनको कसौटी पे कसे। मैं कोई जज नहीं हूं जो मैं किसी के खिलाफ ये सुनाऊं कि उन्होंने काम अच्छा नहीं किया। हाँ, पॉलिसियां कई बार गलत लगती हैं तो बीच बीच में हम आवाज रहेंगे। अब बात HCAP के एग्जाम्पल से समझाता हूं। आज से 10 साल पहले HCAP बनी हरियाणा में। उस वक्त हमने महसूस किया हरियाणा में कोई भी काउंसिल नहीं है फिजियोथेरेपी की। हमारे कुछ साथियों ने इकट्ठे हुए, एसोसिएशन फॉर्म की, HCAP बनी। धीरे धीरे जितने लोगों की जुड़ने की इच्छा हुई उससे जुड़े, मेंबरशिप ली उन्होंने। लेकिन आप स्टेट में आके कभी भी कंफर्म करें, या हरियाणा से जो मेरे साथी सुन रहे हैं वो तमाम लोग जानते हैं, हमने किसी को कभी भी ये नहीं कहा कि आपको HCAP से जुड़ना कंपलसरी है, बिल्कुल नहीं। हमने कहा कि आप अच्छा कार्य करें, आप हमें समय समय पर गाइड करें, आपको जो अच्छी बात पता चलती है हमें भी बताएं, आपकी कोई प्रॉब्लम है हमें बताएं, हम सरकार तक पहुंचाएंगे। क्योंकि मेंबरशिप कोई धक्का नहीं है कि आपको लेना ही लेना है, कोई जरूरी नहीं है, आप बिना मेंबरशिप बांटे भी लोगों को अपने साथ जोड़ के रख सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से हमने मेंबरशिप के नंबर्स पे फोकस ना करते हुए काम पे फोकस किया, और फोकस करते हुए धीरे 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 जब हम आगे बढ़े, काउंसिल को और डिटेल में समझा, सरकार से मिले, सरकार से मिलने के बाद महसूस किया कि क्यों आज तक काउंसिल नहीं बनी है, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हमने काउंसिल का एक ड्राफ्ट, माननीय मौजूदा उस टाइम स्वास्थ्य मंत्री होते थे हमारे, अभी भी वही अनिल विज जी, उनके कहने पे हमने एक ड्राफ्ट बनाया,
एक अच्छा ड्राफ्ट बनाया, तमाम और जो काउंसिल काम कर रही है जिन भी स्टेट में, उनमें उनके ड्राफ्ट को पढ़ के, उनके एक्ट को पढ़ के, वहाँ के एसोसिएशंस के हेड से बात करके, वहाँ के और अच्छे जो प्रोमिनेंट फिजियोथेरेपिस्ट थे उनसे सलाह मशवरा करके, वकीलों की मदद लेके हमने एक बहुत अच्छा सुंदर ड्राफ्ट बना के सारी लीगैलिटी उसमें पूरी करते हुए हमने सरकार को दिया। और मैं आपको बताऊं, वो ड्राफ्ट की कॉपी इस वीडियो के बाद जो भी मेरा साथी चाहे मुझसे ले सकता है, क्योंकि पहले मैं उसको जानबूझ के शेयर नहीं करता था, क्योंकि काउंसिल का बिल तब तक हमारे यहाँ पास नहीं हुआ था, लेकिन अब हमारे यहाँ बिल पास हो चुका है और वो 2016 में हमने ड्राफ्ट दिया था सरकार को, और वो ड्राफ्ट की कॉपी जिस भी मेरे भाई को चाहिए मुझसे ले सकता है, और उसी ड्राफ्ट की लाइन पे वो अपने स्टेट में भी ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को सबमिट करा सकता है। और ये कोई भी शख्स कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि एसोसिएशन का मेंबर है कि नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आप जुड़ना चाहें आपकी इच्छा, बड़ा परिवार है, नहीं जुड़ना चाहें ना जुड़े, आपकी इच्छा, कोई इशू नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। तो वो मैं इस वीडियो के बाद जिसको मुझसे चाहिए मुझसे ले ले, मैं शेयर कर दूंगा, और उसी की लाइन पे आप अपने स्टेट में भी काउंसिल का ड्राफ्ट रेडी करके वहां के मौजूदा जो सिस्टम है उसके तहत उसको फॉलो करते हुए सरकार को डिपॉजिट कराएं और सरकार से डिमांड करें कि वो आपके लिए काउंसिल फॉर्मेशन करे एट द लेवल ऑफ स्टेट। मैं सिर्फ यहाँ स्टेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सेंटर में और भी कई सारे इशू हैं, उसके लिए आप कभी किसी दिन सेपरेट बैठेंगे, जैसे अलाइड फिजियोथेरेपी काउंसिल बिल वगैरह, ये काफी चीजें हैं, तो सेंटर को भी मैं यहाँ टच नहीं कर रहा, तो मैं वो बिल आप लोगों के साथ, वो जो प्रपोज्ड ड्राफ्ट हमारा था वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो उसको हमने जब तमाम ओरों का स्टडी किया, जब हमने तैयार किया, तो जो हमने क्रक्स निकाला था, तो मैं आपको बताऊं जो प्रपोज्ड ड्राफ्ट था हमारी तरफ से, वो आज तक का, अब तक का पूरे इंडिया का मैं बात करूं तो सबसे यूनिक ड्राफ्ट है, सबसे यूनिक प्रपोज ड्राफ्ट है, क्योंकि हमने सबको पढ़ा, जिसमें जो चीज हमें थोड़ी सही नहीं लगी उसको हमने अवॉइड किया, और जिसमें जो चीज हमने सही लगी उसको रखते हुए और कुछ और नए पॉइंट डाल के उसको हमने बेस्ट अपनी तरफ से, हमारे जो एडवोकेट्स की टीम है HCAP की, उसने एक बेस्ट ड्राफ्ट बनाया सरकार को सबमिट कराने के लिए। और जब वो सबमिट हुआ 2016 में, उसके बाद तमाम प्रक्रियाएं हुई, तमाम पत्राचार हुए, तमाम धरने प्रदर्शन, बहुत कुछ हुआ, और 2020 आते आते हमें एक बिल जो है विधानसभा ने हरियाणा में पास किया, जिसके तहत आने वाले समय में फिजियोथेरेपी काउंसिल हरियाणा में जरूर सक्रिय हो जाएगी और तमाम हमारे साथी उससे जुड़कर हरियाणा में अच्छे से कार्य कर पाएंगे। अब बात आती है कि जब वो सक्रिय हो जाएगी तब एसोसिएशन क्या करेंगी, तो तब एसोसिएशन ये करेंगी कि अगर वो काउंसिल किसी भी सूरत में हमारे फेवर में अच्छा कार्य नहीं करेगी तो हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे, सरकार को बताएंगे, सरकार के समक्ष अपनी आवाज उठाएंगे। तो ये तो रोल है एसोसिएशन का। तो वो ड्राफ्ट मैं इस वीडियो के बाद आप तमाम लोगों के साथ साझा कर दूंगा, लेकिन कोई भी, मैं आप फिर बता दूं, कोई भी एसोसिएशन XYZ, कोई भी एसोसिएशन, किसी भी रजिस्टर्ड फिजियो, किसी भी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट मैं बात करूं, उसको मजबूर नहीं कर सकती है कि उसको उस एसोसिएशन से जुड़ना पड़ेगा। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़े, आप ना जुड़ना चाहें तो आप ना जुड़ें। अगर आपको लगता है कि वो एसोसिएशन आपकी भलाई के लिए कार्य कर रही है, आपके हितों को ऊपर रखकर बात कर रही है, आपके लिए आवाज उठाती है, हर मंच पे आपके लिए खड़ी होती है, तो आप उससे जुड़ के उसको मजबूत करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, वो एसोसिएशन डेमोक्रेटिक तरीके से कार्य नहीं करती है, आपके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, आपको कोई पारदर्शिता नजर नहीं आ रही है, वो आपके सवाल नहीं उठा रही है, तो आप भले ही उससे ना जुड़ें, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो अगर आपको लगता है जुड़ना चाहिए तो आप जुड़ें, आपको लगता है ना जुड़ना तो आप ना जुड़ें। काउंसिल के केस में ऐसी कोई छूट नहीं है, काउंसिल होगी तो आपको उससे जुड़ना कंपलसरी है, नेसेसरी है, उसके बिना अगर आप प्रैक्टिस करते पकड़े जाते हैं तो आपको सजा होगी। अब एक छोटी सी बात मैं और यहां कहना चाहूंगा, आजकल एक ज्वलंत मुद्दा हमारे दोस्तों के बीच में फैला हुआ है कि वो कहते हैं कि कौन से रिसोर्स पर्सन को रोका जाए, बहुत सारे रिसोर्स पर्सन कल कॉलेज से डिग्री ली है और आज वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं, वो क्वालिफाइड नहीं है फिर भी वो एज ए रिसोर्स पर्सन वर्कशॉप ले रहे हैं, उन पे कोई नकेल कसनी चाहिए, उन पे कोई रोकथाम करनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि किसी को भी ज्ञान बांटने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हाँ, अगर वो रिटर्न कोई सर्टिफिकेट किसी को इशू कर रहा है तो सर्टिफिकेट इशूइंग जो अथॉरिटी है, जो बॉडी है जो सर्टिफिकेट इशू कर रही है, उसके क्रेडेंशियल पूरे होने चाहिए, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। टीचर उसके लिए कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज हैं ऐसे इंडिया और आउट ऑफ इंडिया जिसमें इंस्ट्रक्टर बनने के लिए क्राइटेरिया है, तो वो जो लोग पूरा करते हैं वो इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसे लोगों पर लगाम लगानी है तो हमें एक मजबूत काउंसिल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि काउंसिल रूल बनाएगी, काउंसिल
काउंसिल क्रेडेंशियल सेट करेगी, काउंसिल जो ऐसे लोग रिसोर्स पर्सन बनना चाह रहे हैं काउंसिल को अप्लाई करेंगे, जब वो काउंसिल को अप्लाई करेंगे तो काउंसिल उनके क्रेडेंशियल चेक करेगी और फिर वो उनको अप्रूवल देगी कि वो रिसोर्स पर्सन के तौर पर काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन ये भी तभी होगा जब एसोसिएशन काउंसिल को इसके लिए सजेशन देंगी, क्योंकि काउंसिल में बहुत बार ऐसी स्टेटों में कई ऐसी काउंसिल्स भी हैं जहां फिजियोथेरेपिस्टों की संख्या उन काउंसिल में बहुत कम है, उनको चलाने वाले लोग उनके सुप्रीम अथॉरिटीज नॉन फिजियोज हैं तो उनको ज्यादा पता नहीं होता। तो ऐसे में वहां काउंसिल की जिम्मेवारी है कि वो उन लोगों को जाके बताए कि ये पर्टिकुलर इश्यूज हमारे प्रोफेशन के साथ आ रहे हैं और इनको इस तरीके से डील किया जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं समझता हूँ काफी हद तक मैंने एसोसिएशन और काउंसिल वाले मुद्दे पर आप लोगों को जागरूक करने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयास किया है और आप लोग इससे सहमत भी होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे साथी मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि जब मैंने ये लिखा कि मैं लाइव आ रहा हूँ और एसोसिएशन वर्सेज काउंसिल जो मैटर है दोनों के डिफरेंस के ऊपर बात करूँगा, तो मुझे एक साथी ने लिखा कि आप हर बार में IAP को टारगेट क्यों करते हैं। तो मैं उस साथी को इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि मैं किसी IAP या किसी HCAP किसी RPPA को टारगेट नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एसोसिएशन और काउंसिल का डिफरेंस बता रहा हूं। हाँ, अगर आपको इतना ही डर है तो आप भी अपने सिस्टम को पारदर्शी बनाएं, लोगों के बीच जाएं, अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह शेयर करें, तमाम अपने क्रेडेंशियल पब्लिक के बीच रखें, लोगों का भरोसा जीतें। अगर आप लोगों का भरोसा जीतेंगे लोग स्वयं आपसे जुड़ेंगे, उसमें आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेंबरशिप कंपलसरी है। तो मेंबरशिप कंपलसरी शब्द किसी भी एसोसिएशन के लिए कुछ भी नहीं होता है, चाहे वो एसोसिएशन दुनिया के किसी भी कोने में कार्य कर रही हो। और दुनिया तो खैर मैं शायद भावनाओं में ज़्यादा ही बोल गया, हिंदुस्तान कहना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि मैं अभी आउट ऑफ इंडिया, कुछ एसोसिएशंस होंगी जिनके रूल्स रेगुलेशन और बायलाज के बारे में मुझे हो सकता है जानकारी ना हो, तो उनको यहाँ रखना ठीक नहीं। हाँ, इंडिया के रूल्स रेगुलेशन बायलाज सोसाइटी एंड रजिस्ट्रार एक्ट, ये तमाम चीज़ें पढ़ी हुई हैं, देखी हुई हैं, समझी हुई हैं, बरती हुई हैं, तो उनके आधार पर मैं आपको ये क्लियर बता रहा हूँ, किसी भी एसोसिएशन से जुड़ना आपका पर्सनल मैटर है। आप जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं, आप ना जुड़ना चाहें आप ना जुड़ें। जहाँ काउंसिल है वहाँ जुड़ना कंपलसरी है, आपको जुड़ना ही पड़ेगा, बिना उससे जुड़े आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था एक बड़ा डिफरेंस एक एसोसिएशन के बीच, एक काउंसिल के बीच, दोनों की फंक्शनिंग के बीच, दोनों के स्ट्रक्चर के बीच, दोनों की वर्किंग के बीच। अब दोनों के डिफरेंस को आप उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि इस मेरी वीडियो को एटलीस्ट अगर आप शेयर ना करना चाहें तो ये थॉट जो मेरे आप सुन रहे हैं इनको प्लीज जरूर शेयर करें तमाम ऐसे नए बच्चों के साथ जो जस्ट अभी कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं और उनको एसोसिएशन ये डर दिखा करके रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जो बेचारा अभी जस्ट प्रोफेशन में आया है बच्चा, उसको लूटने का काम कर रही हैं, उससे बड़ी महंगी महंगी फीसें लेके उसको मजबूर करती हैं कि तेरे को मेंबरशिप नहीं ली तो तू काम नहीं कर पाएगा। ये अपने आप में एक अनएथिकल चीज़ है, ये एक गलत प्रैक्टिस है, ये नहीं होना चाहिए। वो बच्चे जो फील्ड में आए हैं उनको फर्क पता नहीं होता, वो डरते हैं, उनको लगता है कि प्रैक्टिस में तभी जा पाऊंगा जब मैं फला सर्टिफिकेट मेरे क्लिनिक की दीवार पर लगा होगा। कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, सारी एसोसिएशन जो सोसाइटी एंड रजिस्ट्रार एक्ट से रजिस्टर्ड है वो सारी की सारी एक ही लाइन में लाई करती हैं, भले ही वो स्टूडेंट विंग का क्या रोल होता है। सर मैं आपका नाम नहीं समझ पाया क्योंकि मैसेज के थ्रू आपने मुझसे पूछा है, स्टूडेंट विंग का क्या रोल होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब बात जब एसोसिएशन की, हाँ आप समझ गए होंगे डिफरेंस, अब आती है कि इसकी विंग्स, कुछ एकेडमिक विंग्स, कुछ ये विंग्स विंग्स, वो विंग्स बेसिकली इसलिए बनाई जाती है कि स्ट्रक्चर बड़ा किया जाए किसी भी एसोसिएशन का, और बड़ा स्ट्रक्चर होने के बाद उसकी फंक्शनिंग को और फैलाया जा सके, सिर्फ इसलिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब स्टूडेंट विंग की पर्टिकुलर आप बात कर रहे हैं, जैसे HCAP की भी स्टूडेंट विंग वो थोड़े टाइम तक नॉन फंक्शनिंग रही, अब उसके बाद फिर से हम कोशिश कर रहे हैं उसको फंक्शनिंग करने की, तो उसका रोल भी यही होता है कि जो स्टूडेंट्स को इशू हैं, कोई भी इशू जो उनके प्रोफेशनल लाइफ में है, जो उनकी स्टूडेंट लाइफ में है, वो इशू वो उस पर्टिकुलर एसोसिएशन को शेयर कर सकती है, ताकि वो एसोसिएशन जिसकी भी वो विंग है वो एसोसिएशन उनको एड्रेस करे, उसकी नोटिंग करे और प्रॉपर एक फॉर्मेट बना के, एक रिप्रेजेंटेशन बना के स्टूडेंट्स के बिहाफ पे उस विंग से जो उसको नॉलेज मिला, उस विंग से जो इनपुट मिली उसको, पर्टिकुलर विंग से, चाहे वो स्टूडेंट विंग है, चाहे एकेडमिक है, चाहे क्लिनिकल है, उस विंग से जो उसको इनपुट आई, उस इनपुट को अपने एक्युमुलेट करे, उसको समराइज करके उसको गवर्नमेंट के सामने रख सके। ये है किसी भी विंग का रोल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम बात करते, जैसे मैं खुद भी बोलता हूँ, आई एम प्रेजिडेंट ऑफ हरियाणा स्टेट, हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी,
क्योंकि मैं एट प्रेजेंट एक एसोसिएशन का प्रेजिडेंट हूं, इसलिए बोलता हूं। अदरवाइज मेरे पास पावर क्या है, कैसा प्रेजिडेंट, क्या है मेरे हाथ में, कहां से मुझे सैलरी थोड़ी मिल रही है कि जो मैं, या मेरे को प्रेसिडेंट लिखते ही कोई इतनी बड़ी पावर भी नहीं मिली कि मैं दुनिया का तख्ता पलट दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितनी भी एसोसिएशन है इनमें सब में पद बनाए गए हैं, जिम्मेवारियां बनाई गई हैं, वो उनके कार्य के हिसाब से जिम्मेवारियां बनाई गई हैं। वहां मिले हुए पद किसी काम के नहीं है, किसी भी काम के नहीं है। अगर आपको अच्छा काम करना है तो आप बिना किसी भी पद के कर सकते हैं, भले ही आप किसी एसोसिएशन के मेंबर भी ना हो। मैंने जब अपनी जर्नी शुरू की थी, HCAP का जब हमने गठन किया था, उस वक्त मैं किसी एसोसिएशन का मेंबर नहीं था। हमने अपनी जर्नी शुरू की, हमें लगा कि सरकार को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमें एक बैनर चाहिएगा। उस बैनर को जब हमने बात बनानी शुरू की तो वो बैनर कहाँ से आएगा, तब हमने एसोसिएशन का गठन किया और उसी एसोसिएशन के बैनर पे आज तक काम कर रहे हैं, और उसी बैनर के चलते आज हमने तमाम ये अचीवमेंट, इवन हमारा बिल पास हो चुका है अभी विधानसभा में। तो ये एक दिन की लड़ाइयां नहीं है, सालों से लड़ी गई है। बहुत से लोगों ने आवाज उठाई है, बहुत सारे स्टूडेंट साथियों ने मेहनत करी है, बहुत सारे प्रोफेशनलों ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है इसके लिए, तब जाके ये दिन हमें देखने को मिला है। तो ये तमाम चीजें एक रात में नहीं होती। तो कोई भी अच्छा स्टूडेंट, अच्छा योद्धा, अच्छा फिजियोथेरेपी का जुझारू प्रोफेशनल जो सिचुएशन को चेंज करना चाहता है, वो अपने लेवल पे अच्छा काम कर सकता है। वो एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है या नहीं, इससे कोई मैटर नहीं होता। हाँ, जुड़ा होना इसलिए थोड़ा ठीक होता है, वो एक परिवार है। एक तो अकेला बंदा घर में बैठा रहे और एक वो बड़े परिवार में बैठे, तो उसको थोड़ा सिक्योरिटी फील होती है। फैमिली, जब हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में, फैमिली का रोल क्या है, फैमिली का रोल यही है कि फैमिली आपको केयर करती है, लुक आफ्टर करती है, आप लोगों की नीड्स को पूरा करती है। डू एसोसिएशन हैज एनी लीगल पावर टू टेक एनी एक्शन ऑन एनी इलीगल एक्शन, देन व्हाट इज द रोल ऑफ एंटी क्वेकरी सेल फॉर्मड बाय द सम। सर, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, मैं आपको बताऊं। जैसे आपने पूछा कि किसी ने एंटी क्वेकरी सेल बनाई है तो वो क्या लीगल एक्शन ले पाएगी, देखिए मैं आपको क्लियर शब्दों में बता रहा हूं, वो कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाएगी। वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे पाएगी, सिर्फ इससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो रिप्रेजेंटेशन आप अपने आप भी दे सकते हैं। दिनेश भारद्वाज जी पूछ रहे हैं, जब अपोज करना इतना सीधा है तो क्यों कुछ लोग सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाते हैं, सभी समस्याओं को बातचीत से क्यों नहीं हल कर लेते। भारद्वाज जी, ये तो पर्टिकुलर आपको उन्हीं लोगों से पूछना पड़ेगा जो ऐसा करते हैं, क्योंकि इस बारे में तो मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद मानता हूं, आपने शायद मेरा पिछला वीडियो सुना नहीं, कि प्रोफेशन पर आए तो सोशल मीडिया पर जब आप आए तो सोशल इश्यूज पर बात करें, प्रोफेशनल इश्यूज पर बात करें, किसी की पॉलिसी गलत लग रही है उन पर बात करें। बट अगर आप किसी को पर्सनल टारगेट करते हैं, किसी का नाम लेके पर्टिकुलर किसी बंदे को, तो ये निहायत ही गलत बात है। और इस पूरे प्रकरण में जो आपने पीछे देखा भी, दोनों तरफ से FIR हो चुकी हैं, तो अभी उम्मीद करते हैं कि न्याय जो है, अब क्योंकि इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जब दोनों तरफ से जो अभियुक्त हैं दोनों ही अपने पुलिस की मदद में चले गए हैं, तो पुलिस ही इसका डिसीजन करेगी, तो ज्यादा अच्छा है। आप और हम ना ही बोलें इस मैटर पे तो बड़ा अच्छा है, मुझे ये सही लगता है। क्योंकि जब पुलिस प्रक्रिया शुरू हो जाए तो किसी सामाजिक संगठन का वहां बोलना मुझे लगता नहीं कि जरूरी है। हाँ, फिर भी अगर कोई भी दोनों पक्षों में से रिटर्न कंप्लेंट हमें देगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे और उसके साथ जाएंगे। सर्वोत्तम चौहान जी पूछ रहे हैं, इन दिल्ली सो मैनी फिजियोथेरेपिस्ट आर वर्किंग ओपन क्लिनिक। तो सर, मेरे ख्याल इसमें तो कोई बुराई नहीं है, कोई भी काम कर सकता है दिल्ली में, क्या दिल्ली में भी कर सकते हैं। अब वहां काउंसिल की जिम्मेवारी बनती है कि वो उनको रोके, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है काउंसिल के साथ, और वहां अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वहां पर्टिकुलर जो एसोसिएशन काम कर रही है दिल्ली में, चाहे वो कोई दिल्ली की स्टेट एसोसिएशन हो या कोई सेंट्रल एसोसिएशन जो है जो वहां काम कर रही हो, ये उसकी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे लोगों की सूची बनाए, ऐसे लोगों का डाटा इकट्ठा करे, और काउंसिल को भी चिट्ठी लिखे और वहां के हेल्थ मिनिस्ट्री को भी चिट्ठी लिख के ये बताए कि इस तरह के लोग हैं जिन्होंने काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है और हमारे स्टेट में काम कर रहे हैं। ये रोल है एसोसिएशन का। एसोसिएशन का ये रोल नहीं है कि सिर्फ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करनी है, एसोसिएशन का ये रोल नहीं है कि सिर्फ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी है, एसोसिएशन का रोल ये भी है कि ऐसे लोग जो कर रहे हैं सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, उन लोगों की जानकारी सरकार तक पहुंचाए, ये रोल है एसोसिएशन का। अब वो चाहे कोई भी एसोसिएशन हो, अब इसमें ये कहना कि मैं किसी एक के लिए कह रहा हूं तो ये गलत है, मैं सबके लिए कह रहा हूं। व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसिल इन दिल्ली? सर, काउंसिल दिल्ली क्या, गुजरात क्या, महाराष्ट्र क्या, जहां भी काउंसिल है उसका एक ही रोल होता है कि क्वैकरी ना हो, फेक प्रैक्टिस ना हो, बिना उससे रजिस्ट्रेशन कराए लोग मार्केट में प्रैक्टिस ना कर पाए, तमाम काउंसिल्स का यही रोल होता है। लेकिन काउंसिल को समय समय पर अपडेट करने की जिम्मेवारी वहां की एसोसिएशन की होती है।
क्योंकि काउंसिल रोज ग्राउंड में आके चेक करने में कैपेबल नहीं होती, इसी काम की जो जिम्मेवारी है वो एसोसिएशन के कंधों पर होती है। एसोसिएशन ग्राउंड में चेक करेगी, एसोसिएशन ग्राउंड में जो गड़बड़ हो रही है उसको देखेगी, जो उसने तमाम विंग्स बनाई हुई हैं अपनी, जो सेल्स बनाए हुए हैं, उन सेल्स की मदद से डाटा इकट्ठा करेगी और पर्टिकुलर उस स्टेट की काउंसिल को जाके एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट कराएगी और उसको बताएगी कि आपकी नाक के नीचे ये इतनी सारी चीजें गलत हो रही हैं, और उसको ठीक करने की कोशिश करेगी। ये वहां की एसोसिएशन का रोल है। और काउंसिल का तो रोल पूरे देश में जहां जहां जिन जिन स्टेट में काउंसिल है वो सिमिलर ही होता है। ऑलमोस्ट अमूमन सारी काउंसिल एक ही लाइन पर ड्रॉ की जाती हैं। सरोजीत यादव जी पूछ रहे हैं, इन अदर कंट्री लाइक यूएसए देर इज स्ट्रॉन्ग काउंसिल ऑफ फिजियो, बट वाई नॉट वी ज्वाइन? सर अभी आपका मैसेज इतना ही देख पा रहा हूं, अगर पूरा आता है तो देखते हैं आप क्या पूछना चाह रहे हैं ताकि मैं समझ पाऊं और आपकी बात का रिप्लाई करूं। लेकिन अब मैं बात इंडिया की कर रहा हूं तो पर्टिकुलर इंडिया के एक्ट्स और इंडिया के सोसाइटी रजिस्ट्रार एक्ट की बात करूं, इंडिया की काउंसिल्स एसोसिएशंस की बात करूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब्रॉड का अभी मैंने क्या कहा कि अब्रॉड में जब हमारा कोई बंदा जाता है उसको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और वो रोल हमारा बनता है, उस एसोसिएशन का बनता है जिसका वो मेंबर है। इवन HCAP के भी काफ़ी मेंबर आज गल्फ कंट्रीज में बैठे हुए हैं और उनको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट हमने इशू किया हुआ है, और उसके लिए एक भी पैसा किसी से आज तक नहीं लिया है हमने। क्योंकि जब मेंबरशिप कोई पे कर देता है तो उसका लीगली राइट है कि गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। एसोसिएशन अगर कोई न्यू विंग बनाती है लाइक स्टूडेंट विंग, फीमेल विंग, इस पर प्रकाश डाला, अगर बायलॉज में पहले मेंशन किया गया हो या ना हो उस पर अलग से रजिस्ट्रेशन। सर एसोसिएशन कोई भी विंग बनाती है तो उसको अपनी GB मीटिंग में उसके लिए उसको अप्रूव करना होता है। अगर GB मीटिंग में अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद उसको वो पब्लिक डोमेन में रख सकती है। बिना GB मीटिंग के अप्रूवल के ऐसी कोई भी विंग अगर बनाई जाती है तो वो नल एंड वॉइड है, उसको नहीं माना जा सकता। ये सोसाइटी रजिस्ट्रार का एक्ट जो है वो कहता है बिना GB मीटिंग के अप्रूवल के कोई भी डिसीजन वैलिड नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपके इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, और जितना मेरा उद्देश्य आज यहां आपके बीच आने का था मैंने आप लोगों के बीच क्लेरिफाई कर दिया है। अपने दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं, और तमाम मेरे साथी जो मुझे सुन रहे हैं वो किसी भी एसोसिएशन से बिलोंग करते हों इसको अप्लाई करें, क्योंकि एसोसिएशन लोगों की बनाई है, लोगों के लिए बनाई हुई है। उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं बनता कि वो लोगों को दबाने की कोशिश करे, लोगों को किसी भी तरीके से हराश करने की कोशिश करे। ऐसा राइट किसी भी एसोसिएशन के पास नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो कोई भी शख्स उस एसोसिएशन के खिलाफ कानूनी मदद ले सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपने लेक्चर को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, और फिर भी किसी को कोई क्योरी रह गई है तो वो मुझसे बात कर सकता है। और जो ड्राफ्ट हमने प्रिपेयर किया था, जो मैं कहता हूँ अपने आप में एक यूनिक ड्राफ्ट है, जो हमने सरकार को दिया था, हरियाणा सरकार को, जिसकी लाइन पे चल के बाद में हरियाणा स्टेट फिजियोथेरेपी काउंसिल बिल पास हुआ, वो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। आप लोग उसको साझा करें, अपने अपने स्टेट में उसको पढ़ें, अप्लाई करें। जतिन पटेल जी शायद कुछ पूछ रहे हैं, मैं एक बार देख लूँ। फॉर अपडेशन एंड डेवलपमेंट वी नीड एसोसिएशन। बिल्कुल सर, एसोसिएशन की ज़रूरत तभी है जब हमें हमारे प्रोफेशन को ग्रो करना हो। एक अकेला आदमी कम काम करेगा, अगर 10 आदमी मिलके करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से करेंगे, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो 10 आदमी मिलके सिर्फ चाय पे चर्चा कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी किसी एसोसिएशन की शायद मैं समझता हूँ इस देश को कोई ज़रूरत नहीं है, ना हमें ना आपको। वो हमारा कोई भला नहीं कर सकती, भला वही करेंगे जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको सलूट है, चाहे वो किसी भी एसोसिएशन से जुड़े हुए हों, और अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो सारे ही अपना टाइम खराब कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एसोसिएशन से जुड़े हुए हों। व्हाई एसोसिएशन डू नॉट वेरीफाई ए फिजियो बिफोर गिविंग देम मेंबरशिप? हैव दे वैलिड डिग्री और नॉट? आई हैव सीन ए मेंबरशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम एन विकी मोंगा जी, आप पूछ रहे हैं कि एसोसिएशन वेरीफाई क्यों नहीं करती किसी को भी मेंबरशिप देने से पहले? सर एसोसिएशन मेंबरशिप देने से पहले उसको प्रॉपर वेरीफाई करती हैं, ऐसा एसोसिएशन के रूल्स में होता है। अब वो वेरिफिकेशन प्रक्रिया सब एसोसिएशंस की अलग अलग होती है, कैसे वेरीफाई कर रही हैं, वो उस डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर उसको यूनिवर्सिटी को भेज के चेक कर रही हैं या, वो उन पे डिपेंड करता है। तो ये मुझे नहीं पता कि किस एसोसिएशन ने वेरिफिकेशन की क्या प्रोसेस अपनाई है, बट वेरिफिकेशन मस्ट बी देयर, वेरिफिकेशन होना चाहिए। बिना वेरिफिकेशन के मेंबरशिप सर्टिफिकेट देना अपने आप में खतरनाक है और बायलॉज के खिलाफ भी है। तो ये तमाम चीज़ें जो आपके बीच में आज यहाँ रखना चाह रहा था मैंने रखी। यू आर राइट, बट इफ एसोसिएशन वर्किंग ओनली टू मेक मनी देन व्हाट शुड वी डू? संदीप वैष्णव जी, अगर एसोसिएशन सिर्फ मनी मेकिंग के लिए काम कर रही हैं तो सबसे पहला आप आज़ाद हैं, आप उनसे जुड़े ही ना। और अगर आपको फिर भी
कि आप एक जिम्मेवार फिजियोथेरेपिस्ट हैं और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं, तो ऐसी किसी भी एसोसिएशन को आप कोर्ट का रास्ता दिखा सकते हैं, उसको कोर्ट तक ले जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए सिमिलर है, पाई पाई का हिसाब लिया जा सकता है। अगर आप उस एसोसिएशन के मेंबर हैं तो आप उसकी कार्य प्रणाली के बारे में जितनी बार भी चाहेंगे आप पूछ सकते हैं, उनको आपको बताना पड़ेगा, ये उनकी नैतिक जिम्मेवारी है। तो मैं समझता हूँ ये तमाम चीज़ें आप लोगों के शायद काम आएंगी, और अगर इस मेरी वीडियो से कोई 10, 15, 20 लोगों तक भी कोई अच्छी बात पहुँचे तो मैं तमाम लोगों का आपका शुक्रगुजार हूँ जो अब तक मुझसे जुड़े रहे। धन्यवाद आप सभी को इतना सुनने के लिए, और आगे भी ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनको समय समय पर हम उठाते रहेंगे, अपनी बात रखते रहेंगे। आप जुड़ें, अपनी बात रखें, अपने सवाल रखें, खुशी होगी। लॉकडाउन का सदुपयोग करें, ज्ञान वृद्धि करें, ज्ञान बढ़ाएं। जय हिंद, जय फिजियोथेरेपी दोस्तों। यू आर ए ट्रू प्रोफेशनल भाई अरविंद वीरगिल सिंह सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपके ऐसे जो मोटिवेशनल वर्ड्स होते हैं यही शायद हम जैसों को काम करने का हौसला देते हैं। मैं या कोई मेरे जैसा और भी भाई कुछ अच्छा करता है और जब आप जैसा कोई सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट साथी उसकी तारीफ करता है तो शायद उसको खुशी मिलती है और वो और अच्छा करता है, क्योंकि अदरवाइज कोई सैलरी तो मुझे किसी एसोसिएशन स्ट्रक्चर में मिलती नजर नहीं आती, क्योंकि एज पर लॉ कोई भी सैलरी स्टेटस नहीं होता, किसी भी ऑफिस बियरर को कोई भी सैलरी नहीं मिलती है किसी भी एसोसिएशन में। तो ये आप लोगों के शब्द और आप लोगों की शाबाशियां हैं जो हम लोगों को काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ काफी सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे, और आप इस वीडियो को आगे भी अब शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों तक बात नहीं पहुंची उन लोगों तक बात पहुंच जाएगी। एसोसिएशन इज फाउंड बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टू ऑल मेंबर्स हु वांट। हाँ बिल्कुल सर, ये तो मैं शुरू से ही बता रहा हूँ पटेल पटेल साहब जी, कि एसोसिएशन जो है लोग आपस में एक परिवार की तरह ही है, लोग इकट्ठे होकर मिलकर बनाते हैं। लेकिन परिवार वही अच्छा रहता है जिसके फैसले साझे हों, जिसके बीच में बैठ के लिए जाने वाले फैसले हों। अदरवाइज बंद कमरों में लिए गए फैसले परिवार तबाह कर देते हैं, परिवार तोड़ दिया करते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब ज्यादा ना बोलते हुए मैं चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी कोई रह गया हो तो मुझे मैसेज कर सकता है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आपको मैं जितना मुझे पता है मैं अपनी मैक्सिमम कोशिश करके आपको रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपका दिन शुभ हो।